जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। ये एक नई नोटिफिकेशन है जो इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक बने रहे ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें, किस किस पद के लिए वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों मैं बता दूँ, इसमें 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ये वैकेंसी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और आज से इसके आप फॉर्म भर सकते हो अगली 22 फरवरी तक। 10th क्लास पास है वो भी, और जिनकी एज ज़्यादा, इसमें एज भी आपको छूट दी गई है 18 से 25 साल, प्लस ओबीसी एससी एसटी के लिए 3 साल और 5 साल की अलग से छूट दी गई। दोस्तों ये वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इलेक्ट्रिशियन, कुक, पोस्ट मास्टर, एमटीएस, वॉचमैन, सफाई वाला, ग्रेंडर, बार्बर, फायरमैन, सुपीरियर, ऑब्जर्वर, सर्कल, मतलब अलग अलग प्रकार की इसमें पोस्ट की वैकेंसी। दोस्तों बहुत सारी प्रकार की वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिन दोस्तों की एज ज़्यादा हो गई और आर्मी में जाने का जिनका सपना है उन सभी के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। कहीं पे 12th क्लास क्वालिफिकेशन है जैसे कलर्क है, उसके साथ में टाइपिंग भी चाहिए कलर के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए भी आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। और हाइट भी इसमें ज़्यादा नहीं है, 155 सेमी है, और नॉर्थ इलाकों वालों के लिए केवल 150 सेमी की हाइट है। तो जितने भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, आपका IITI होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए, 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए कोई भी विशेष आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस आपको नॉर्मल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। बार्बर के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, इसका कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ एक्सपीरियंस टेस्ट होता है उसमें। और भी बहुत सारे जैसे फिल्टर है, कई प्रकार की वैकेंसी इसमें। तो आप अगर मेरे दोस्त जितने भी देखो, एज जिसमें एज क्राइटेरिया है 18 to 25 ईयर, उसके अलावा बिटवीन 18 to 27 ईयर सिविलियन मोटर ड्राइवर, यानी जो ड्राइवर वाला है उसके लिए 27 साल की एज रखी गई है, एज में छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल की, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, जो कि बहुत अच्छी है। साथ में इसमें जो फीस है 50 रुपये, दोस्तों ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें आपको किस एड्रेस पे भेजना है वो मैं बता दूंगा अभी लास्ट में, किस एड्रेस पे आपको अगर फॉर्म भरते हो तो आपको किस पे भेजना है। क्लोजिंग डेट है इसकी 45 दिन, यानी जिस दिन ये आता है उसके 45 दिन, यानी आज से अगर आप लगा के चलोगे तो आपको 22-23 फरवरी के आसपास तक इसकी क्लोजिंग डेट होगी। कुछ इलाकों में जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उधर 52 दिन का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस इसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, उसके बाद में जनरल इंग्लिश 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, और मैथ होगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन है, इसमें से 50 GK के हैं, 50 इंग्लिश, 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन है, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये भी 2 घंटे का समय मिलता है आपको, 120 सेकंड में, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। इसके बारे में पूरा सिलेबस है, उसकी डिटेल में आपको अलग से दे दूँगा। और इसका फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना, आप सभी को पता है कि फॉर्म किस एड्रेस पर भेजना है और किस प्रकार से भेजना है, वो भी इसमें साथ में दिया गया है। ये देखो किस प्रकार से भरना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये आपने भरे होंगे ऑफलाइन फॉर्म, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म में जैसे लिखते हैं वैसे इसमें लिखना है दोस्तों, कुछ अलग सी बात है नहीं। एज प्रूफ, यानी इस पर आपको सर्टिफिकेट कौन कौन से लगा रहे हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, और आपका मूल निवास का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। ये सभी जितने आपके सर्टिफिकेट है वो लगाने, रिसेंटली फोटो होनी चाहिए आपकी, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। ये इसका फॉर्म का परफॉर्म है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जितने मेरे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक नीचे आप जुड़ जाइए, उसमें मैं ये डाल दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड करके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों, और आज ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें किस प्रकार से आप सभी को पता है, आप आसानी से सेविंग अकाउंट, जो अकाउंट डिटेल है वो टोटल आप भर सकते हो, और टोटल की टोटल डिटेल और किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो सभी इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें किस एड्रेस पर भेजना है अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो आपको बता देता हूँ कि आपको किस एड्रेस पे भेजना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो फीस लगनी है 50 रुपये, उसका ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनाना है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखो ये फीस का जो ड्राफ्ट है आपका इस नाम से बनेगा, करोस इंडियन पोस्टल ऑर्डर और ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट 50 रुपये, 50 ओनली इज फेवर फॉर द कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज महो, इस नाम से ही आपका ड्राफ्ट बनेगा 50 रुपये का। दोस्तों इस नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना है, उस फॉर्म में आपको साथ में लगाना है वो ड्राफ्ट। इसके अलावा आपको किस में ये फॉर्म भर के फिर आपको देना है वो एड्रेस, ये रहा दोस्तों वो एड्रेस, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविलियन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बोर्ड सीनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ MP। तो MP में ये फॉर्म आपको भेजना दोस्तों, अभी आपके पास में बहुत टाइम है। तो जितने भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो इसकी 100% कुछ खास नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो गई तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, इसमें बहुत प्रकार की है। आप, मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप जाके अच्छे से इसको पढ़ लेना, और इसमें और कुछ है नहीं खास, केवल वही है हाइट आपकी 150 सेमी और 155 सेमी होनी चाहिए, इससे अलावा और कोई डिमांड नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।